हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज के स्टूडियो लेक्चर में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स लेके आए हैं। अगर आपने ये दो थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लिया तो एक्सरसाइज 1.4 में आपको प्रॉमिस करता हूं आपको बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ नजर आने वाला है। इतनी आसान एक्सरसाइज है, शुरू बाद में होगी, खत्म उससे पहले हो जाएगी। ठीक है जी, तो अपना वक्त खराब नहीं करते, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, थ्योरम नंबर वन क्या कहता है आपसे, कहता है एक्स बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates। x कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। जैसे हमने आपको पहले समझाया था, मान लीजिए हमारे पास 1/5 है, हमने 1/5 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। तो आपको ये कहना चाह रहा है कि x कोई भी एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, जब हम उसको p by q की फॉर्म में रखते हैं, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2^m 5^n, वेयर m एंड n आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, जब हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो उसका डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों को 2^m मल्टीप्लाई बाय 5^n इस तरह के इंटीजर दिखेंगे, जहां पर m और n जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उसके लिए आपके p और q दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आता है। ठीक है जी, जैसे हमारे पास नीचे एक एग्जाम्पल भी है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, आपको साफ दिख रहा होगा ये p बाई क्यू की फॉर्म का है ना, p बाई क्यू की फॉर्म का, तो ये रेशनल नंबर तो है पक्का बिल्कुल। अब ये थ्योरम क्या कहती है, अगर मुझे ये थ्योरम लगानी है तो इसके लिए हमारे पास वेरीफाई करनी है, तो इसके लिए हमारे पास दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ये तो कैंसिल हो रहा है, इसको काटते हैं। हमने इसको लिखा 5 3 12 5 3 12 5 2 10 0, तो 3/320। अब आप 3 और 320 में देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं आता, इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, तो अब ये को प्राइम हो चुके। अब आपको क्या कहता है, अब हम लोगों को 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब हम लोग 320 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 160, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 80, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 40, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 20, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 10, इसको लिखेंगे तो 2, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 5। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब जब मैं इसको लिखूंगा 320, दिस विल बी इक्वल टू 2^ 1 2 3 4 5 6, तो 2^6 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है ना। ये क्या है, 5 है, तो 5^1 हो जाएगी। तो इसका अब इसको देखो ना, जब हमने इसका डिनोमिनेटर देखा तो इसके डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो बिल्कुल यही है, 2^m मल्टीप्लाई बाय 5^n, ऐसा ही है। यहां से जो m का वैल्यू है वो 6 है और जो n है उसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, 100% गारंटी है। तो ये थ्योरम का मतलब था कि अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, पहले आप उन दोनों को प्राइम बनाइए, फिर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए डिनोमिनेटर का। जब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर वो हमारे पास 2^m 5^n की फॉर्म का आता है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको डिवाइड भी करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है जी, थ्योरम मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि पी और क्यू को प्राइम है, डिनोमिनेटर को उठाया, उसके प्राइम फैक्टर्स तोड़े, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में अकेला 2 आए, अकेला 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों के दोनों आएंगे, तब हम बोलेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, उस स्टेप के बाद खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, इसके ऊपर आपसे क्या कहता है, सेकंड थ्योरम में आपसे बोलते हैं कि हमारे पास एक्स कोई भी रेशनल नंबर है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2^n 5^m। कहने का मतलब क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर की जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो उस प्राइम फैक्टर्स के बीच में 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग उसको 2^n 2^m मल्टीप्लाई बाय 5^n की फॉर्म में नहीं लिख पाते,
और अगर हम उसको नहीं लिख पाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग पक्का होगा क्योंकि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है जी, जैसे हमने आपके सामने एग्जांपल रखा है 77/210 लिखा है ना, तो ये एक रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ये देखो क्या ये दोनों के दोनों कोप्राइम है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों कोप्राइम बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले कोप्राइम बनाइए, सेवन से जाएगा, सेवन वन जा वन, इसको लिखेंगे 7 3 20 1 और ये आएगा 0, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 11/30। अब आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो कि जो 11 और 30 है ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों को डिनोमिनेटर उठाना है, हम लोगों ने इसका डिनोमिनेटर उठाया। जब आप इसका डिनोमिनेटर उठाएंगे 30 के प्राइम फैक्टर्स तोड़िए 2 1 5, इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 3 5 15 और 5 1 1। तो जब हमने 30 को लिखा 30 will be equal to 2 multiply 3 multiply 5, ऐसा होगा ना 2 multiply 3 multiply 5। तो इसको मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पता लगता है इसके बीच में 2 की पावर 1 है, इसके बीच में 5 की पावर 1 है, लेकिन इसके बीच में जो 3 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। कहने का मतलब है कि हम लोग इसको 2 raise to power m और 5 raise to power n की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कुछ स्टेप के बाद अपने आप को बार बार से रिपीट करेगा। अब बेशक डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 11/30 है, हमने 30 को रखेंगे बाहर, 11 को रखेंगे यहां पे, सही है ना, ऐसे ही है। चलो उसके बाद आप देखो किससे जाएगा, ना जाने का 0 लगेगा, एक ऊपर से उतारेंगे, 33 कितना आएगा, दिस विल बी 90 आ जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 20, एक 0 उतरेगा, इसको लिखेंगे 30 कितना आएगा 180, फिर एक 0 उतरेगा 30 के 180, फिर ये ऐसे आएगा 20, ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लूंगा 36666 ऐसा आएगा, सो यू कैन राइट इट एज 0.36 बार, ऐसा बनेगा ना 0.36 बार। तो बड़े सिंपल सी दो थ्योरम्स थी, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं क्या बोलता है। अगर x कोई भी एक रेशनल नंबर है, p और q दोनों ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है, आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को उठाना है, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स के अंदर तोड़ना है, फैक्टराइजेशन करना। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोगों को 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के फैक्टर मिलते हैं तो कहने का मतलब है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा, उस स्टेप के बाद वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब वो वाली जो चीज है वो कुछ ऐसी आएगी, कहने का मतलब उस स्टेप के बाद खत्म हो जाएगी। यही चीज आपसे कहते हैं कि अगर वो 2 raise to power m और 5 raise to power n का नहीं है, कहने का मतलब उसमें 2, 5 के अलावा कुछ और फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन साथ में कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है जी, और तीसरी चीज के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करता और ना ही रिपीट करता, उनके बारे में कोई थ्योरम नहीं है, ये दोनों थ्योरम सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर के ऊपर डील करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो कन्फर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.4 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।